स्टार्ट। ये कंप्रेसर है, पहले प्रेशर बनाता है। हाँ बराबर, ये प्रेशर बनता है जैसा, वो लो प्रेशर होके सीधा इंटरकूलर में जाता है। ओके, इंटरकूलर में अंदर है, वो इंटरकूलर में से वापस आता है और वापस ये जाता है कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर, हाँ एक कंप्रेसर जैसा प्रेशर बनाता है, इसमें दो सेक्शन पाइप और दो डिलीवरी पाइप है, बराबर। ये जो जैसा कंप्रेसर प्रेशर बनाता है, सीधा जाता है इंटरकूलर में। कहाँ पे इंटरकूलर? ओ सामने उस तरफ, उस सामने, उस साइड। ओके, वो इंटरकूलर में से वापस आता है, वो वाला। हाँ हाँ, वो सामने वाला। हाँ, फिर इंटरकूलर में से वापस आता है, ये ऊपर वापस जाता है कंप्रेसर में। पहले गया वो लो प्रेशर, हाँ, फिर वापस कंप्रेसर में आया। हाँ, उसके बाद बनेगा हाई प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर बन के सीधा जाएगा अपर कूलर में। ओके ओके, अपर कूलर में। हाँ, अपर कूलर में से निकलेगा सीधा बाहर। ओके, सीधा बाहर, बाहर अपर कूलर से बाहर जाके फिर ये सब जगह पे डिप्यूट होगा। ओके बराबर, बस दूसरा क्या है, फिर यहाँ से जाएगा एयर ड्राई के तीन कॉक आते हैं। हाँ बराबर, हाँ उसका जब एयर ड्राई चालू होता है, हाँ तो दो कॉक नॉर्मल रहता है, एक कॉक आइसोलेट रहता है। ये कॉक आइसोलेट, ओके, दो नॉर्मल कॉक से, दो देखो, एक नॉर्मल ये है, हाँ, और एक नॉर्मल पीछे हो रहा है, देखो हो रहा है। ओके, ऐसा क्यों होता है? दो ये डायरेक्ट एयर ड्राई चालू है, अगर एयर ड्राई खराब हो गया, हाँ, तो ये दो कॉक काट देने के। ओके, दोनों, और जो कटा हुआ है, हाँ, उसको नॉर्मल करने का, यानी ये प्रेशर इधर से आया, हाँ, उसको नॉर्मल किया, ये कॉक कटा हुआ है, हाँ, यहाँ आगे प्रेशर नहीं जाएगा। ओके, ये कॉक नॉर्मल किया, यहाँ से जाएगा सीधा, ये कॉक कटा हुआ है, यहाँ से सीधा वापस प्रेशर जाएगा सीधा पीछे। अच्छा, मतलब ये अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे, ये एयर ड्राई काम नहीं कर रहा है, ये एयर ड्राई काम नहीं कर रहा, तो इसको इसको नॉर्मल है, दो आइसोलेट कर देने के, जो आइसोलेट है उसको नॉर्मल कर देने। ओके, और सीधा जाएगा पीछे। ऐसा क्यों? ये सिर्फ एयर ड्राई का अरेंजमेंट है। हाँ, एयर ड्राई डिफेक्टिव हो गया, हाँ, नहीं काम करता है, हाँ, एयर लीकेज हो गया जास्ती, तो इसको बाईपास कर दो, बाईपास कॉक को। ओके, और फिर यहाँ से ये जाता है पीछे। हाँ, पीछे जाता है। पीछे क्या है? NRM, NR आएगा, NR के बाद MR टैंक आएगा। ये क्या है? MR टैंक। ये MR टैंक, ये NR है, नॉन रिटर्न वाल्व। ओके, और ये है MR टैंक। हाँ, फिर इधर से जाएगा एंगल कॉक, हो गया सब जगह पे डिफ्यूट हो जाएगा। अगर ये फेल हुआ तभी ये काम करेगा ना? ये तो काम करेगा सर, ये कम, अच्छा ये मतलब ये कंपलसरी करेगा। हाँ, हाँ, ये तो और करेगा। वो बाय चांस फेल हुआ, एयर ड्राई खाली काम नहीं करेगा, नहीं, पर ये तो हर टाइम काम करेगा, ये तो करेगा। ये जब फेल होता है तो ये इसका प्रेशर इसमें जाएगा, तो ये ओवरलोड होगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, उसका डिजाइन ऐसा किया है। ओके, उसका कटिंग कटआउट है सात, छह सात है, फिर सात में जाता है, फिर आठ के बाद सेफ्टी ऑल ब्लो हो जाएगा, और सीधा यहाँ से फिर कहाँ पे जाता है? सब मिलेगा, सब जगह। अच्छा, ये पाइप थ्रू जाता है, मतलब पाइप थ्रू जाएगा। ओके, और ये पाइप थ्रू हर एक तो हिस्से में प्रेशर मिलता है।